पूरे श्रृंखला में एक नहीं दो नहीं बल्कि छह दिग्गजों ने किया भारतीय टीम को बर्बाद। 27 साल बाद इन छह गुनहगारों के कारण श्रीलंका के खिलाफ हुई भारतीय टीम शर्मसार। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच हुए ओडीआई श्रृंखला की, तो यहां पर नील बटा सन्नाटा भारतीय टीम के हाथों में लगा है। भारतीय टीम 2-0 से श्रृंखला हारी है और 27 साल बाद श्रीलंका भारतीय टीम के खिलाफ कोई श्रृंखला आ रहा है, यानी कि शर्मसार और शर्मनाक हार भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय लड़ाकों को झेलनी पड़ी है। ये हार शर्मनाक और शर्मसार इस वजह से है क्योंकि यह श्रीलंकन टीम कमजोर थी, इस वजह से है कि यह श्रीलंकन टीम अनुभवहीन थी, इस वजह से भी है कि यह भारतीय टीम सबसे मजबूत भारतीय टीम उतरी थी। ऐसा नहीं था कि विराट, रोहित या फिर किसी प्रमुख गेंदबाज को रेस्ट दे दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह का नाम हटा दें तो सभी के सभी मजबूत, सभी के सभी अनुभवी और सभी के सभी दिग्गज मौजूद थे जो अपने आप को भारतीय टीम का सितारा कहते हैं। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों को पस्त करना, इन सभी खिलाड़ियों को धोना, इन सभी खिलाड़ियों को चारों खाने चित्त करना और इस श्रृंखला को अपने नाम करना, ये श्रीलंका के लिए बड़ी उपलब्धि है, अच्छी खासी उपलब्धि है। जो मनोवैज्ञानिक जीत है श्रीलंकन टीम की, ये उनके कॉन्फिडेंस का इजाफा करेगी, लेकिन ये हार भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचाएगी। गंभीर के लिए शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली हार है और रोहित शर्मा भी इस हार की समीक्षा जरूर करना चाहेंगे और जल्द ही भारतीय टीम को जीत की पटरी पर लाना चाहेंगे। लेकिन इस हार के गुनहगार आखिरकार है कौन, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। भारतीय टीम इस कमजोर, इस अनुभवहीन श्रीलंकन टीम से हारी कैसे? जो भारतीय टीम पिछली श्रृंखला 1997 में श्रीलंका टीम से हारी थी, उसके बाद संकारा आए, जयवर्धने आए, जयसूर्या आए, मलिंगा आए, चमिंडा वास आए, उसके बावजूद भी कभी भारतीय टीम श्रीलंका से बायलेटरल श्रृंखला नहीं हारी। लेकिन इस अनुभवहीन श्रीलंकन टीम से, जिसके पास नया नवेला कप्तान था, जिसके पास मिडिल ऑर्डर की समस्या थी, जिसके पास कोई भी प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं था, जिसका सबसे प्रमुख स्पिनर पहले ही मुकाबले में चोटिल होकर बाहर हो गया, उस अनुभवहीन नए नवेले श्रीलंकन टीम से किन खिलाड़ियों के गुस्ताखियों के कारण, किन खिलाड़ियों के गलतियों के कारण भारतीय टीम आखिरकार यह श्रृंखला हारी, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में उन छह गुनहगारों की चर्चा करेंगे जिनके बुरे प्रदर्शन के कारण, जिनके लापरवाहियों के कारण भारतीय टीम यह श्रृंखला हारी और 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ शर्मसार होती हुई नजर आई। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी की, तो वो शुभमन गिल हैं, भारतीय टीम के प्रिंस, भारतीय टीम के नए नवेले उपकप्तान और भारतीय टीम का जो भविष्य माना जाता है वो खिलाड़ी। शुभमन गिल उपकप्तान किस वजह से बनाए गए, ये सोच से परे है, ये समझ से परे है। अगर शुभमन गिल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो औसत आपको ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा मिलेगा, लेकिन ये औसत उन्हीं पिचों पर आपको मिलेगा जहां पर बल्लेबाजों की मुफीद पिचें रहती हैं। जब भी गेंद थोड़ी सी फंस कर आती है, रुक कर आती है, वहां टर्न मौजूद होता है, जब भी स्थितियां परिस्थितियां बल्लेबाजों के खिलाफ होती है, तो शुभमन गिल पहले ही मोहरा छोड़कर भाग खड़े होते हैं, पहले ही मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। उनका बल्ला हरदम उन पिचों पर शांत होता हुआ नजर आया है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कठिन पिच पर शुभमन गिल अकेले डटे हों, अड़े हों, जुझारू पारी खेली हो और भारतीय टीम को मुकाबला जिताया। तो शुभमन गिल एक बड़े सवाल ये निशान है कि क्या सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों वाली पिच पर वो अपना जौहर दिखाएंगे। और उन बल्लेबाजों वाली पिच की बात करें तो वहां कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट कमी रहती है। शुभमन गिल को अभी बहुत सुधार की जरूरत है और सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी वही है, क्योंकि रोहित शर्मा उनके ऊपर से पूरा दबाव हटा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा उनकी पूरी मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल पूरे श्रृंखला में संघर्ष करते हुए दिखाई दी। अगर हम उनके रिकॉर्ड की बात करें, इस मुकाबले में प्रदर्शन की बात करें, तो पहले ओडीआई में 16 रन बनाते हैं, दूसरे में 35 और तीसरे में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते हुए शुभमन गिल नजर आते हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। आनन फानन में गौतम गंभीर ने विराट कोहली को इस श्रृंखला के लिए बुलाया, उन्होंने रेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन गंभीर ने कहा कि नहीं, सामंजस्य बैठाना है, चीजों को संतुलित करना है, सभी कोचों से सबका इंट्रोडक्शन कराना है, तो विराट कोहली का इस श्रृंखला में रहना आवश्यक है, जरूरी है, जिस वजह से विराट कोहली
इस श्रृंखला के लिए उपलब्ध हुए। आए बीसीसीआई ने गुहार की उनसे कि नहीं आप आइए अपने आप को उपलब्ध करिए। विराट कोहली ने बीसीसीआई की बात मानी, श्रृंखला के लिए आए, लेकिन ये साफ हो गया इस श्रृंखला में कि विराट कोहली श्रृंखला के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वो जो उनकी तैयारी नहीं थी श्रृंखला में साफ झलकती हुई नजर आई। नहीं तो ये अगर विराट कोहली पूरी तरीके से तैयार होते, अगर 50% भी विराट कोहली तैयार होते, तो भैया ये 230, 240 और 250 के जो स्कोर थे वो अकेले चेज करने का मादा रखते। ओडीआई फॉर्मेट में चाहे जैसी भी पिच हो, चाहे जैसी भी स्थितियां हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, ये बात कहने वाली नहीं है। वो करके हजारों बार दिखा चुके हैं और एक बार और वो दिखा सकते थे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात कि विराट कोहली जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हुए पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय टीम के लिए चिंताजनक बात है। विरोधी उनके खिलाफ अब स्पिन हथियार बनाकर चल रहे हैं और उसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए भी दिख रहे हैं, और इस श्रृंखला में साफ हमें उसका उदाहरण भी मिला। अगर हम विराट कोहली के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पहले ओडीआई में 24, दूसरे में 14, तीसरे में 20। किंग कोहली को सिर्फ और सिर्फ यही जरूरत थी कि एक छोर थामे रहें, एक छोर पे डटे रहें, एक छोर पे अड़े रहें और दूसरे छोर से बल्लेबाज खेलते रहें। लेकिन विराट का विकेट गिरते ही आधा मुकाबला वैसे ही भारतीय टीम हार जाती है, और आधा मुकाबला जीत कौन लेता है? विपक्षी टीम, क्योंकि मनोबल उनका हाई हो जाता है। लेकिन और विराट कोहली को यह बात समझनी चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ एक छोर उनको थामने की जरूरत। अगर हम तीसरे गुनहगार की बात करें तो श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर ने इस श्रृंखला में लेट डाउन किया। स्पिन के बहुत ही बेहतर बल्लेबाज माने जाते हैं, माना जाता है कि मिडिल ऑर्डर में भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन स्पिन का कोई बल्लेबाज है तो श्रेयस अय्यर है। लेकिन जब ज्यादा टर्न हो रहा हो तो श्रेयस अय्यर बहुत कम ही है कि ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी अच्छी करते हुए दिखे हों। हाँ, हल्की फुल्की टर्न में तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में जब श्रेयस अय्यर को अपना स्पिन के खिलाफ हुनर दिखाना था तो वो असफल रहे और भारतीय टीम के हार का कारण भी रहे। अगर हम पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 23, दूसरे में 7 और तीसरे में 8, बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन था श्रेयस अय्यर का। उनसे उम्मीदें बहुत थी क्योंकि स्पिन को बहुत बेहतर अंदाज में खेलते हैं। वहीं चौथे गुनहगार खिलाड़ी शिवम दुबे रहे। श्रृंखला बहुत कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया था शिवम दुबे के लिए। हार्दिक पांड्या थे नहीं, वो अपने स्थान को सीमेंट कर सकते थे। इसी वजह से इनका भारतीय टीम में रिंकू सिंह के ऊपर चयन हुआ T20 वर्ल्ड कप में कि वो स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं। लेकिन जब स्पिन के खिलाफ अग्नि परीक्षा हुई शिवम दुबे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो फेल दिखे। इस श्रृंखला में शिवम दुबे से उम्मीदें थी। पहले मुकाबले में तो वो लाइन तक भी भारतीय टीम को पहुंचा चुके थे, लेकिन एक रनों की दरकार थी और वहां पर विकेट फेंकते हुए नजर आए। तो शिवम दुबे ने अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से गवाई है। गुनाना जो चाहिए था उन्होंने गवा दिया है। अब उनका स्थान भी भारतीय टीम में बमुश्किल ही बनता हुआ दिख रहा है। पहले ओडीआई में 25, दूसरे में 0 और तीसरे में 9 रनों का योगदान शिवम दुबे ने दिया। पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो वो केएल राहुल रहे। केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ दो मुकाबले खेले, दोनों में निराशजनक प्रदर्शन रहा। केएल राहुल से भी उम्मीदें थी क्योंकि श्रेयस अय्यर से बेहतर स्पिन इस वक्त अगर कोई खेल रहा है तो वो केएल राहुल ही। मिडिल ऑर्डर में ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार राहुल का प्रदर्शन आया था, लेकिन इस श्रृंखला में जब उनसे उम्मीदें थी कि श्रीलंका खिलाफ कमजोर बॉलिंग अटैक खिलाफ वो शतक तो जरूर ही जड़ देंगे किसी न किसी मुकाबले में, उन्होंने लेट डाउन की अपनी बल्लेबाजी। पहले मुकाबले में 31, दूसरे में खाता भी राहुल नहीं खोल पाए। अगर हम छठे गुनहगार की बात करें तो वो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज यहाँ पर माना जा रहा था कि श्रीलंका को तो तहस नहस कर देंगे। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ मुकाबलों का उठाकर देखेंगे तो 10 ओवर में 6 विकेट, कभी 5 विकेट इस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ अर्जित करते थे। उम्मीदें बहुत थी जिस वजह से वो तीनों के तीनों मुकाबले खेले, लेकिन हर एक मुकाबले में लेट डाउन करते हुए मोहम्मद सिराज दिखे। खासकर तीसरे मुकाबले में तो श्रीलंकन बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिराज को ही अटैक करने का मन बनाया था और उसका खामियाजा भारतीय टीम को भी भुगतना पड़ा। अगर हम सिराज के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पहले में 1/36, दूसरे में 1/43 और तीसरे में 1/78 रन। तो मोहम्मद सिराज जिनसे आशाएं, जिनसे उम्मीदें कप्तान रोहित शर्मा लगातार बनाकर रखे, हर मुकाबले में उनसे पूरे ओवर करवाए गए, हर मुकाबले में उनके ऊपर विश्वास जताया गया, लेकिन उन विश्वास पर खरे उतरते हुए मोहम्मद सिराज नहीं दिखे और भारतीय टीम को लेट डाउन किया। और इस पिच पर जहां पर भारतीय टीम श्रीलंकन टीम को बिलो पार स्कोर रोक सकती थी, मोहम्मद सिराज के बुरे प्रदर्शन के कारण नहीं रोक पाई। तो इन 6 गुनहगारों कारण भारतीय टीम को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। इनके कारण भारतीय टीम को 27 साल बाद
श्रीलंका के खिलाफ शर्मसार होना पड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार खिलाड़ी कौन है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।